अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल MR इंजीनियरिंग वर्क्स में। अभी हम काफी टाइम से एक मशीन पे फोकस करते हैं जिसका रेंज 10 ग्राम से 1 केजी है, यानी आप एक मशीन में 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो दाने हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे वो माइक्रोनी हो, पास्ता हो, दलिया हो, मसाले हो, चाय पत्ती हो, कुछ भी आइटम आप 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक आप वजन पैक कर सकते हैं। कौन सी मशीन में? इस मशीन में, ठीक है। यह मशीन देखिए, ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आप 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक कोई भी आइटम लिक्विड छोड़ के, लिक्विड पैक नहीं होगा इसमें, बाकी आप कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना PLC है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जो वजन सेट करेंगे, ठीक है, जो वजन सेट करेंगे, ये हॉपर में आपको माई डालना होगा, ये वाइब्रेटर है, ठीक है। इस वाइब्रेटर से सबसे पहले इस पैन में आएगा, इसमें वजन होगा। अभी मैं दिखाऊं आपको, देखिए जैसे ही मैं इस पे टच कर रहा हूं तो वजन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे इस पे वजन होगा, वजन कंप्लीट होगा, फिर ये पाउच में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मैं आपको एक बार मशीन चला के दिखा दूंगा कैसे लड़ी होगा इसमें। अगर आप सिंगल कटिंग चाहे सिंगल कटिंग ले सकते हैं, अगर आप इसमें लड़ी चाहे लड़ी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको 5 पे सेट किया हुआ है, अभी मैं 5 पे आपको दिखाऊंगा। अभी ये देखिए, मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया, अभी इसी तरीके से एक बार आपने अगर सेट कर दिया, सेट करने के बाद इसी तरीके से मशीन चलता रहेगा। अभी देखिए 5 के बाद ये ऑटोमेटिक लड़ी काट देगा, ये देखिए ये 5 पाउच के बाद ऑटोमेटिक लड़ी कट चुका है आपका, ठीक है। जैसे ही मशीन पैक हो जाएगी उसी तरीके से ये पैक होकर निकालता रहेगा, उसी तरीके से ये पैक होता रहेगा। ये देखिए, देख सकते हैं, इसी तरीके से आप लड़ी निकाल सकते हैं, टांग सकते हैं, मार्केट में दे सकते हैं कोई भी। अभी ये मसाले का पाउच है, इसी तरीके से आप कोई भी पाउच, चाहे चाय पत्ती हो, चाहे खड़े मसाले हो, चाहे कोई भी पाउच हो, आप निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको एक सेटिंग और दिखा देता हूं कि अगर मान के चलिए, अगर आपको 250 ग्राम का पाउच बनाना होगा, ठीक है, अगर आपको 250 ग्राम का पाउच बनाना होगा तो ये लड़ी नहीं चलता है, ठीक है। अगर आधा किलो का पाउच चलाना है तो लड़ी नहीं चलता है, तो लोग बोलेंगे कि यार आपने लड़ी बना के दिखा दिया, अब आधे किलो का ऐसा थोड़ी ना होगा, 250 ग्राम का ऐसा थोड़ी ना होगा। अभी मैं आपको इसका सिंगल पाउच करके दिखाता हूं, सिर्फ ओनली पैनल से सेटिंग होगी। देखिए यहां पे मैंने ये प्रोग्रामिंग किया और ये 5 पे सेट है, अभी मैंने इसको 1 पे सेट कर दिया, 1 पे सेट हो गया, अब मैंने इसको ओके कर दिया। अभी देखिए प्रोग्राम चल चुका है, अब ये सिंगल कप पे कटिंग पे पैक होता रहेगा। अभी अपनी लड़ी थी इसीलिए, ये देखिए इसी तरीके से 250 ग्राम हो या आधी किलो, चाहे 1 किलो और 100 ग्राम की भी बहुत सारे लोग सिंगल कटिंग लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसी तरीके से आप मार्केट में पैक करके कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रेंज 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक, ठीक है, कोई भी आइटम पैक करिए। बाकी मशीन सिंगल फेस है, नॉर्मल घर की बिजली से आराम से आप चला सकते हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक नॉर्मल आप अपने घर में इस मशीन को लगा के प्रोडक्ट कोई भी आइटम, अगर मान के चलिए कोई आइटम नहीं चला, मसाला पैक करना चाहते हैं, मसाला नहीं चला, चाय पत्ती कर सकते हैं, चाय पत्ती नहीं चला, कोई और मटेरियल पैक कर सकते हैं। मतलब एक मशीन से आप कई तरीके के प्रोडक्ट पैक भी कर सकते हैं, कई तरीके की बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो देखिए, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 50,000 रुपये लगा के 5 लाख रुपये कमा लीजिए और 1 लाख रुपये लगा के आप 10 लाख रुपये कमा लीजिए। देखिए बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, आप जितना ज्यादा लगा सकते हैं उतना कम रहता है। बाकी अगर मैं एक मिनिमम बात करूं कि कितना लगाना पड़ सकता है, देखिए पाउच प्रिंट करके, मशीन खरीद के, रॉ मटेरियल लेके, डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक न्यूनतम मैं बोलूँ 5 से 10 लाख रुपये आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर आपको मशीन का प्राइस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मशीन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और जब भी आप आएंगे आपको मशीन देखने के लिए मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद आप मशीन ले सकते हैं। शुक्रिया।